तो यहाँ पर ना मम्मी आई हुई थी, और मम्मी वैसे सुबह की आई हुई हैं लेकिन मैंने शूट नहीं किया था। अब मम्मी चली गई थी डॉक्टर के पास, अब वही अपने फेवरेट डेंटिस्ट के पास, तो वहाँ से आई थी। तो बस ये फ्रूट्स लेकर आई थी, तो बस ये मम्मी ने काट लिया। मम्मी कह रही खा ले मुझे, तो हालांकि मैंने लंच बिल्कुल अभी किया था तो मुझे खाने नहीं थे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उन्होंने कहा तो मैंने इसमें से 2 पीस खा लिए। बस इससे ज़्यादा तो मैं वैसे भी नहीं खा पाती, तो पता नहीं क्यों मैं फ्रूट्स ज़्यादा नहीं खा सकती। अगर मुझे कोई एक पूरा फल दे दो ना, तो मेरा तो सर दुख जाता है ये सोच सोच के मैं इसे अकेले कैसे खाऊँ। कई बार ऐसा हुआ आपके जीजू फ्रूट्स ला ला के रखे, लेकिन वो ना सड़के ही जाते थे, तो मैंने स्पेशली इनको मना कर दिया, भाई मुझे फ्रूट्स फ्रूट्स ला के मत दिया करो, मैं जब कहूँ ना तब ला के देना, वैसे मत ला के देना। तो इस वजह से वो कम लाते हैं। तो अब ये एप्पल्स वगैरह आए हुए हैं तो मम्मी ले आई, मम्मी को बहुत पसंद हेलो है। गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जमजम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। पता नहीं क्यों लाइट ये बार बार ब्लिंक कर रही है, बहुत देर हो गई पता नहीं इसे ब्लिंक करते करते। खैर कैसे हैं आप लोग? मैंने बोल दिया शायद जो मुझे बोलना था। तो बस अभी हो गया शाम का टाइम और 6 बज रहे हैं। आजकल 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है क्योंकि मौसम बदल रहा है, और मौसम जब बदलता है तो फिर जल्दी जल्दी अंधेरा होना शुरू हो जाता है। बस सर्दियाँ नहीं आ रही हैं, मौसम तो मतलब टाइमिंग वो चल रही है, लेकिन अभी जो सर्दी आने का टाइम है ना वो नहीं हो रहा, और मौसम इतना गंदा चल रहा है कि बस पूछो मत। हमारे यहाँ रोज़ एसी को लेकर लड़ाई होती है, वो कहते हैं मौसम ठंडा है एसी बंद कर दो, मैं कहती हूँ अभी गर्मी लग रही है एसी चले रहने दो। तो रोज़ ऐसे ही होता रहता है, कुछ ना कुछ कभी चला देते हैं कभी बंद कर लेते हैं, तो ऐसे करके चलते रहते हैं। और ये मतलब फिर ये भी तो होता ना कि इस मौसम में, अब मैं तो खैर गर्म पानी पीना ही सीख गई हूँ, मैं गर्म ही पीती हूँ ठंडा नहीं पीती। काफ़ी टाइम हो गया मुझे गर्म पानी पीते पीते, ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने हो गए मुझे सादा पानी पीते हुए, और बच्चे पीते हैं ये ठंडा वाला। तो एक दिन बच्चों के पापा ने सारी बोतलें निकाल के फ्रिज में से बाहर रख दी कि ना रखी जाएंगी ना बच्चे पियेंगे। और बच्चे मुझसे कई बार कहते भी हैं कि मम्मा आप रख दिया करो, तो मैं नहीं रखती क्योंकि आयरा की अभी भी नाक बंद है, आयरा को अभी भी सर्दी हो रही है। सोनू को अभी ठीक हुई है, सोनू की दवाई आई थी तो उसे खाई, तो वो यही कहते हैं कि खामा खा बच्चे बीमार पड़ते हैं तो थोड़ा सा सावधानी कर लो, जो कि वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, तो मैं उनकी बात मानती हूँ। तो अब हम लोग ठंडा वंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पी रहे हैं। और बस आज मम्मी आई हुई हैं और मम्मी को देखा है, हाँ आप लोगों ने देख लिया मम्मी को, मैंने कैमरा उठा लिया था उस वक्त। तो बस अब मम्मी बना रही हैं सब्ज़ी, मैं बनाऊंगी रोटी। और सब्ज़ी इसलिए बनाई क्योंकि वो वाली सब्ज़ी मम्मी बहुत अच्छी बनाती है, वैसे मम्मी ऐसी कोई सब्ज़ी नहीं है जो अच्छी नहीं बनाती, तो लेकिन वो वाली ज़्यादा अच्छी बनाती है। तो बस मम्मी सब्ज़ी बना लेती हैं फिर मैं बनाऊंगी रोटी, और अभी बच्चे गए हुए हैं शाम को चीज़ लेने के लिए। तो बस वो सारी चीज़ें जो भी है मैंने अपडेट दे दी है, और जैसे जैसे होगा मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, तो बनी रही मेरे साथ। मम्मी की आदत है, मैं इसमें से डाल देती हूँ मसाले डालने से, ये मम्मी हमेशा अलग ही डालती है, मम्मी बना रही तो मम्मी का स्टाइल चलेगा, अंजाम नहीं होता ऐसा। आपको सुपर डालना है या घी डालना है? चल जाए नहीं इसमें डाल ले, मैं प्याज डालूंगी। हाँ डाल दी, देखो मम्मी आपकी गलती में है। मैं इसे अपने अंदाज से निकाल लूँ, बता दूँ मैं चटपटी। हाँ चटपटा, हाँ 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 चटपटी हो जाएगी। मम्मी को मेरे चम्मचों पे बहुत गुस्सा आता है, इतने छोटे छोटे से चम्मच। रेशमा बहुत ध्यान से देखती है मेरी सब्जी, सब देखते हैं। रेशमा बता ना, रेशमा बहुत ध्यान देती है मेरी सब्जी। बस हाँ आंटी बहुत अच्छी लगती है आंटी, तेल बताओ बस मेरे को डाल दो। आंटी बहुत अच्छी लगती है मुझे, ऐसा मन करता है मैं खा लूँ, उसमें ऐसा लगता है वैसे बनाई तुमने, वो ये बनाई बहुत अच्छी लग रही मेरे देखने। अरे मेरे पास मेरे ही घर वालों को फोन आ जाते हैं सब्सक्राइबर, तो जो करते करते मेरे ही घर वालों को बाजी का आ जाएगा, बहन उस दिन आंटी ने वो बनाया वो उसकी रेसिपी दे मुझे। अच्छा भैया दे, चलो धनिया हो गया, हल्दी हो गई, मिर्ची हो गई, ठीक है, मेथी दाना हो गया, धनिया मेरे को गलती हो गया, धनिया हो गया, अच्छा नहीं हो चक्की पर मंगा दे, धनिया चक्की का ही है मम्मा, मतलब होगा मैं तो अंदाजन कह रही हूं। 3 चम्मच है भर भर के दाल दे, दर्दी नहीं थी मिर्चे सही नहीं है बाजार वाली मिर्चे वो जैसी ला देते हैं भैया, वो उनकी लाई हुई चीज़ हर चीज़ ऐसी होती है, मतलब आपका देखते मूड खराब हो जाएगा ये क्या ले आए, और आदत इतनी खराब ना वापस करने की,
एक दो लेकिन वापस नहीं जाएगा। आदमी हमारे घर में है ही इन सारे जानस तो आ रही नहीं, तो नहीं। और हमें ऐसा लगता है भैया फेंक कैसे दे, पैसों की आ रही है नहीं फेंकी जाती वही तो, और तो कोई ना फेंके। अरे मुझसे कह रहे खान लिया है, वो पूरा खिला रहे मुझे एक महीने से, तभी मेरा वजन भी कम नहीं हो रहा। मैं कह रही हूँ, मैंने कहा अब की बार, मैंने कहा मैं बहुत भूखी रहती हूँ भैया, तुम्हारे बुरे की वजह से मेरा वजन रुक गया है, कम नहीं हो रहा। तो कह रहे ऐसा है यहाँ से सीधे निकलो और यहीं पर चुन की दुकान है और जाओ खुद लियो। यही तो करूँगी मैं, अभी नहीं मैं तेल पक लूँगा। तो उनकी बातें तो खैर ऐसी ही रहती है, कहते ना बहू जब तक बहू है जब तक उसके सास ससुर होते हैं, वो बहू बना के भी तो बबंगन बन जाता फिर तो सच में। फिर तो ये आदमी तो ये गली गली कुछ कुछ घुमाए, नीचे क्यों डाल रहे लगा तो रखा दो से। अच्छा मम्मी की एक बहुत अच्छी आदत है, हाँ मैं थोड़ा सा ऐसे करके फैला फैला कर देती हूँ, मम्मी जल्दी जल्दी सब समेटती रहती है। साथ के साथ सफाई चलती है, सफाई तो मैं भी करती हूँ, लेकिन ये है कि बर्तन भी उसके बाद रखूंगी। मम्मी का साथ के साथ सफाई अच्छी लगती है, सही बात सही है बिड़ू। अदरक में सुबह से अदरक ढूंढती हूँ, अदरक नहीं मिला, अब मिला यहाँ से वो करती हूँ ना, होती हूँ ऊपर रख देती हूँ। आ गई है बच्चों की चीजें, अब बच्चे भी आ गए। हाँ जी क्या क्या लिया है, देखना कुछ चिपक नहीं है। दादी ने बोला पाउडर लगा देना। अच्छा अच्छा पाउडर लगा दिखाओ मुझे। अरे इसे लगा देना पाउडर, हो गया अभी नहीं, अभी फिर आएगी। अजी बहुत जल्दी बनाती है, बहुत पसंद आता है। रेशमा क्या हो रहा है, रेशमा ये यहाँ क्या हो रहा है, मेरा वो हो गया है मस्सा निकल आया है। अच्छा बड़ा हो गया, टूट जाए जी मस्सा निकल आया मेरे जी मस्सा, तो जीवन बड़ा हुआ है। अब मैं उससे कहूंगी तो वो काटता ना है, वो जर्रा वो कहते आँख के पास है, अभी ना आंटी अभी ना, हम कार कब जान बन गई है, मैं चली आई चुपचाप से चली आई। स्लो कर दो पहले से, डालते ही चलेगा बिल्कुल स्लो, मत कर। ये चोनू आ गई है, चोनू परी बन के घूम रही है। चोनी चोनू तो देखी है, देखी है सबने, चोनू देखी क्या क्या है यहाँ पर, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बन रहा है, मैं क्या क्या खाऊंगी। हाँ क्या क्या हो गया चोनू का तो असली रूप हाई गाइस ने बहुत देखा है। अच्छा चोनू बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं सब। ये तो प्यार करने वाले, ये लोग इतनी बारीकी से देखते हैं, मैं चीजें भूल जाती हूँ लेकिन इन लोगों को सब याद रहता है। आपने जब ये किया था तब वो किया था, वो पीछे से ये आ गया वो आ गया, सब ये रहता है। और ये लोग भी वही नजर रखते हैं जो प्यार करते हैं, वो प्यार वाले। दो लोग नजर रख सकते हैं यहाँ पे, एक तो जो प्यार करते हैं और एक जो सबसे नफरत करते हैं, वो भी पूरी नजर रखेंगे। वो तो बहुत ज्यादा कर रही है, वो तो एक एक चीज पर रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। जलने वाले कहते हैं हमारे दोस्त चल रहे हैं, जलने वाले भी है और हम प्यार करने वाले बहुत अच्छे हैं। ये बात तो आप सही कह रही है। नमक डालो, नमक वो रखा है, ये दे दो मैं इसे बोलाऊंगा, ये पूरा भी ना डाल दो। आप ज़्यादा तो भुनेंगे नहीं तो छोटी छोटी डाली लूँ ना। पहले जब मेरी दीदी शादी हुई थी ना तो मम्मी डालती थी, मैं सोचती थी तू डाल दी जब वो वाला नमक आता है तो, अभी लोग कहते थे स्वाद स्वाद, अब पहले कहाँ पता होता है क्या स्वाद क्या हो पहले, लेकिन मेरे अंदर एक हाँ मम्मी ये इसके बाद क्या, आप अगर करना चाहो तो तारीफ भी कर सकती हो कि मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि ये ऐसा कर रहे हैं, मैं तो नहीं करूँ, मैं अपना वो झाड़ू, मैं सोचती हूँ सामने वाला ऐसे कह रहा है मैं धुलेगा फिलहाल मैं धोकर लाऊँ कि ऐसे कह रहा है, हाँ ये सही है, तो उसे सीखूँ उसे देखूँ कि क्यों कह रहा है, इसमें कोई बात होगी अपने आप बिगाड़ती हूँ, बनवाए ना बनवा देती है ना,
ऐसे लोग तो हम भी जानते हैं, सबसे तो पालक बना रहा हम भी ऐसे लोगों से जानते हैं, जानू ची बिगाड़ दे की क्योंकि अच्छा खाने वाले हैं, पूरा पका दोगे तो पकवाएंगे ही नहीं। मैंने बिगाड़ दिया, फिर कह दी मैं जाके बाहर जाकर, मैंने तो बिगाड़ दिया अपने आप ही, बिगाड़ में सब कुछ आता है, मैंने बिगाड़ देती हूँ, मैं किस लिए, मैं तो बनवाऊंगी तब भी ना, अपने आप बनाऊंगी खाऊंगी सामान। मेरी भैया जी तो चालाके सीखो इस बारे में, ऐसा लगता है कि अरे भाई अब ये हर चीज कैसे की आ रही है, अब इसे बिगाड़, हम भी तो वही खाएंगे, अगर हम बिगाड़ रहे हैं तो हम भी तो वो बुरी खाएंगे। फिर भी अच्छा अच्छा खाती हैं, बना हुआ अच्छा अच्छा बैठ के सजा के ले रही है और वो खा लिया ताली वाली है। तो हाँ बस यही है कि फिर ये इन सब चीजों को देखा सीखा और फिर वो चीज इतनी वो लग गई मम्मी, अपने घर पे भी मैं जब जाती हूँ ना, अब भी जाती हूँ साबुत नमक मंगा दो भैया, साबुत नमक मंगा दो। अच्छा हम लोग यहाँ हर चीज पैकेट वाले मसाले आते थे, ये धनिया हल्दी मिर्च, अब हमारे यहाँ भी चक्की से ही पिसवा के वो आता है, साबुत धनिया लाल मिर्च ये सब पिसा हुआ, मतलब पिसवाते हैं ऐसे करके, तो वो आने लगा। तो मतलब मैंने यहाँ से जो सीखा वो अपने घर पे भी वो कर दिया। हाँ जी सब कुछ सीखा। दादी का फोन आ रहा है, लाओ। हाँ आप लोग ले आओ ना, दादी का फोन आ रहा है तो ला के दो। सब कुछ सीखा मुझसे भैया, मेरी तो सारी पूरी वो ले ली है। एक दिन तो पापा भी कह रहे, मैंने बनाई एक सब्जी मतलब चिकन बनाया था, तो पापा भी कह रहे आज का चिकन बहुत बढ़िया बना है, और जबकि मैं मम्मी जब होती है मैं बनाने से बचती हूँ, सबसे मम्मी बना रहे, लेकिन उसे मम्मी थकी हुई थी तो मैंने कहा चल, हाँ मम्मी कहीं चली गई थी वो चप्पूबाजी की, तो मम्मी कही तू बना ली, मैंने कहा चलो ठीक है, बनाया तो बहुत अच्छा बना सब ने खाया। रोटी बोलो बहुत अच्छी रोटी बनाती है, पूरी गुलाबी गुलाबी जली हुई ना लकी हुई ना, इतनी अच्छी रोटी ऐसी बनाई हो, ऐसी बनी मेरे की बन गई होंगी मेरे की, वो मेरे की पापा के लिए मैं ऐसी बनाती हूँ, मेरे की मेरे की हाँ मैं कोशिश करूँ करती हूँ, हल्दी और डालू थोड़ा रंग नहीं, तुम ऐसे बना, तुम तो नरम नरम बना, ऐसे बना ऐसे बना, और बने बिल्कुल गुलाबी बने कुरकुर कुरकुर, मुझे बहुत अच्छी लगी है और रूखी भी खा लेता, बहुत अच्छी रोटी बनाई वहाँ और मैंने कहा हाँ बना लूँगी, मैं बना लेता हूँ। रोटी पसंद आ रही है तुम्हारी ज्यादा, सब्जी आ रही है तो कल मैंने क्या हो, मैं आप लोगों को भी शायद बता रही थी कि पापा ने खेत से वो ला के डाल, अब मैं अल्लू को भी बताया ना, वो मुझे बुलाया कारीगर लाया, वो तो खेत में हुई होगी। अच्छा हाँ वो खेत की तो थी ताजा दाल, पहले नहीं होगा तुमने खुद ही, तुम्हारे वो मुंह बोली तुमने खुद ही खुद खा ली, पहले पहले नया का जान लिया था वो लिया आया, सोन सोन लाया, तो पापा ने सारी ही मेरे पास भिजवा दी, तो जो भी लोने उठा ला ही ऊपर। अच्छा अब वो मैंने बनाई तो कल हम पापा जी को, पापा जी खाना खा लिया, पापा कह रहे बेटा वैसे मैं किसी खाया, मैंने कुछ कुछ नहीं होता, मैंने बनाई है वो दाल, अच्छा खुद नहीं खाई बना रखी थी, हालांकि बनाई जल्दबाजी में थी, अब वो खिला दी, उसमें नमक मिर्च कितना कम था, शाम को जब मैं खुद भी खा ली, मैंने क्या पता मैं ऐसी बनाई, मैं भी मेडिकल बनाती हूं ऐसी मरीजों की सब्जी बनाई, मतलब मैंने खा ली सब्जी अच्छी ना है, मैं रोटी बहुत अच्छी है, मैं तो इतनी शर्मिंदा हुई, मैं कह रही अल्लाह पापा को ऐसे मैंने झांसे में दिया कि मैंने इतनी अच्छी दाल, मतलब ये नहीं कहा कि अच्छी, ये बोला कि खेत की ताजी दाल बनाई, तो उनको लग रहा हो मैंने कुछ डाल दिया उसमें, राजमा डाल दिए, वो डाल दिया, रमा डाल दिया, कौन सी, अच्छा वैसी डाल दिए, क्या चल रहा है ये कोने में भैया, हाँ कहाँ खा ला है, कहाँ खा ला है भैया, चिज्जू खा ला है, बस 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 बैठे रहो कहीं जाना नहीं है। अच्छा क्या मुंह देखिए, मुंह कितना सड़ा रखा है इसका, मुंह देखिए गैस कितना गंदा हो रहा है, खा लो चिज्जियाँ खा खा के, ये देखो पता नहीं क्या कर रही है यहाँ पर, कौन सा ये अल्लाह तारा, ये नीचे क्यों हो रहा है ये सब, क्या सिखाती हो तुम लिबा को भी, मैंने क्या सिखाया, पहली बात तो मुझसे तेज आवाज में बात मत करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये क्या ये कर रही हो, ये सिखा नहीं रही, खुद भी कर रही हो चीज़ें, नीचे जमीन पे फेंकते हैं चीज़ें, जमीन पे रखते हैं चीज़ें, आपकी शोना आपकी शोना, अभी तो मम्मी के पास एकदम पास आ गई बाहों में आपके, जा चुनो मम्मी, हाँ आपके दांत का हो गया मम्मी, पहली बात तो आपका ये स्टूल अच्छा लग रहा है और आप वीडियो में अच्छी लग रही हैं, हो गया आज आपका दांत का सब कंप्लीट, चलो मुबारक हो, दो महीने में हुआ कंप्लीट, वैसे एक तरह से देखा जाए एक साल से परेशानी हो, अच्छा आप कमज़ोर भी हो ही रही हो, चलो अब अल्लाह पाक सब सही करे, आप कोई परेशानी ना आए, है ना।
वो होने वाली बात है, हो ही जाते हैं। चलो अल्लाह पाक बेहतर करे। नहीं आके बिल्कुल साफ में, वही तो कह रही हूँ, आपके तो बिल्कुल चमके हुए साफ सुथरे दांत है, और देखो होने वाली बात उसमें हो गए। और ना आप कोई गुटखा ना पान वान सुपारी छाली कुछ नहीं खाती मम्मी, लेकिन बस वही है होने वाली चीज़ें। क्या हो गया, जाओ अपनी चीची खाओ, जाओ बोलो खा रहे नहीं तुम्हारी चीची, जा 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 जल्दी जा, भागो 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 भागो। इसका ये चीची खा ले, मुँह धुला के इसके कपड़े चेंज कर दिए, अब वो जा रही है चीची खाने। ये गाइस हमारे कपड़ों की पोटली, मतलब बिखरे हुए नहीं है, हमारे कपड़ों की पोटली है, अब वो दिख ही रही है पीछे से। वो ये बंद कर देते हैं बच्चे, मैंने तो कल से उसके पार्ट खोल रखे हैं सुखाने के मारे, और वो लकड़ी वाला बाहर सूख रहा है धूप में, तो अब अच्छे से सूख जाए, कल रख दूंगी सारे कपड़े, है ना, इतने बहुत है। क्या बिछाऊँ उस पर, अच्छा हाँ 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 सही, हाँ सही, हाँ 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 नहीं फिर भी भेज देना कट्टा, ये सही है, सही है, सही। तो बस जी यहाँ पर हो गया था डिनर टाइम, तो मैं कर रही हूँ डिनर, और डिनर में मैंने आज ये जो सुबह ब्रेकफास्ट में लिया था स्प्राउट्स, ये ले लिए हैं एज अ सैलड, और ये दाल है, और एक रोटी, और इसके अलावा सोनू कर रही हैं हमें परेशान, जो कि वो हमेशा करती हैं, और फिर मम्मी भी आज मेरे साथ ही कर रही थी। एक्चुअली आज हम सास बहुओं ने ना बहुत सारी रील्स बनाई हैं, थोड़ा मम्मी ना मुझे बहुत मतलब बोलती हैं, और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि मम्मी को ना मैंने एक चीज़ सिखा दी है कि मम्मी इंस्टाग्राम पे कोई भी रील भेजती है ना तो वो मुझ तक कैसे पहुँचाएँ जो मम्मी को अच्छी लगती हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मम्मी मुझे दिन की कम से कम 20 से 25 रील्स भेजती हैं कि इस पे बना लियो, उस पे बना लियो, और काम तो आप मेरा देख ही रहे हैं कि आपको एक भी नहीं मिलती है देखने के लिए। तो फिर जब मम्मी आती है तो फिर मम्मी कहती है कि मैं तुझे इतना भेजती हूँ लेकिन तू कुछ नहीं करती, फिर मैं ये कहती हूँ मम्मा मैं बिजी थी, मम्मा टाइम नहीं मिला। तो अब मम्मी ने कहा है कि अभी हम बनाते हैं, मैंने ना कुछ रोटियाँ बना ली थी और मम्मा ने कहा अभी मेरे साथ रील बना, तो बस हम लोगों ने वो रील बनाई है, और उसके बाद मेरा टाइमिंग होता है तो मैं खाना खा रही थी, हालाँकि आज मुझे 8 बज गए थे, तो मैं कहती थी मम्मा आप भी खा लो, तो बस मम्मा भी खाना खा रही हैं, और इस तरह से हम दोनों सास बहू एक साथ खाना खा रहे हैं। तो आज का छोटा सा व्लॉग, छोटा तो नहीं, आज तो काफ़ी बड़ा हो गया, तो ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।